Hello and welcome back to the channel guys. Today we are going to the Lonavala for a bike ride and hum log ja rahe hain aaj Amruta, Abhijit and Akhilesh ke saath. To yeah, hum log ka plan bahut pehle se tha lekin ye jo bahut sare news aa rahe the ki ye weekend mein bahut zyada barish hone wala hai to uski wajah se hum log ka plan almost cancel ho gaya tha, khatam hi ho gaya tha. Aaj subah jab hum log uthe to hum log jana nahi tha, iske liye aaram se uthe the. To hum log uth gaye to uske baad dekh raha hu to kuch barish hai hi nahi. Dekho nothing. तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि अभी निकलते हैं. इट्स 10 इन द मॉर्निंग एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं. यहाँ से हम लोग देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं. तो हम लोग ट्राई करेंगे लोनावला तक जाके, वहाँ पे चाय एंड मैगी खा के वापस आ जाएंगे दोपहर तक. बाय द वे दैट्स अखिलेश. ओके चलो लेट्स गो, अभी निकलते हैं. रेलवे स्टेशन रुके थे करमबोली वाला, जो यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है वहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं. जस्ट हवा वगैरह भरना चालू है अखिलेश का, वो भर के होने के बाद हम लोग यहाँ से सीधा खोपोली होके जाएंगे. वहाँ से फिर वो एक्सप्रेस हाईवे जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उसको ज्वाइन होता है बीच में थोड़ा सा पार्ट, और ऐसे लोनावला होके हम लोग ने कुछ अराउंड 48 किलोमीटर किया है ट्रैवल. और उसके बाद हम लोग जाते जाते हम लोग को ये दिखा, यस यहाँ पे बहुत सारा जो एयरक्राफ्ट शूटिंग्स होता है वो होता है, और बहुत सारे बाइकर्स भी यहाँ पे रुक के फोटोशूट वगैरह सब कुछ करते हैं. तो यार हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोग अंदर आके देख रहे थे. यार इट्स नाइस स्पॉट, अगर अच्छे फोटोज़ वगैरह निकालने तो यहाँ आना है. बट वहाँ पर एक बंदा बैठा है, वो बोल रहा है कि यहाँ पर अलाउड नहीं है. हम लोग यहीं पर थोड़ा दूर खड़े रह के देख रहे थे. जैसे अभी यहाँ से कुछ आगे 17 किलोमीटर खोपोली है, और खोपोली से कुछ 6-7 किलोमीटर लोनावला आगे है. बस 1-1.5 घंटे का ही है जर्नी. चलो और ये पहुंच गए हम लोग लोनावला. क्लाइमेट अचानक से एकदम अच्छा हो गया और अभी हम लोग ऑर्डर दिया है मैगी का. व्यू देखो, व्यू आ रहा है. कैसा लग रहा है? ऑसम. अभी तो मजा आ रहा है कि नहीं? एंजॉयिंग. जो मैं थोड़ा टाइम के लिए हेलमेट निकाला था बोलने के लिए, नहीं तो हेलमेट से आवाज नहीं जाता इसके लिए. चलो अभी आगे चलते हैं टाइगर पॉइंट की तरफ. ये है टाइगर पॉइंट, लायंस पॉइंट नहीं, दिस इज टाइगर्स पॉइंट. अच्छा दिस इज लायंस पॉइंट. यहाँ से ये रेलिंग के पीछे पूरा वैली दिखता है, बट अभी पूरा फॉग की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है. और जो एटमॉस्फियर बना हुआ है यहाँ पे लायंस पॉइंट दाखवला की काही दिसत नाही आहे. अरे नाही तुला दिसत नाही काय. अभी
यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि कितना जोर से हवा चल रहा है और ये बीच में ही क्लियर हो रहा है और बीच में ही पूरा फॉग आ रहा है यहाँ पे। वो दिख रहा है कुछ, दैट इज द लायन पॉइंट। लायन पॉइंट जब इसलिए बोलते हैं कि वहाँ जब लायन ऐसे नॉर्मली बैठता है उसके दो पीछे के पैरों पे, तो जैसा शेप दिखता है वैसा वहाँ शेप का वहाँ पे पहाड़ है जो अभी नहीं दिख रहा है। चलो मैं विंडशीटर पहन लेता हूँ, फोटो के लिए निकाला था, बहुत गंदा वो लग रहा है बाहर। पहले लाइन पॉइंट ओपन था, यहाँ पे कुछ पार्किंग वार्किंग नहीं था, अभी उन्होंने ना यहाँ पे एक कट्टा बना दिया है और अंदर पार्किंग का 20 रुपये लेते हैं, बाइक का 40 रुपये, फोर व्हीलर का। और ये नया चीज़ें स्टार्ट किया है, कैमल राइडिंग एंड हॉर्स राइडिंग अंदर, ये कंपाउंड के अंदर। अच्छा है, 3:30 हुए हैं, अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। हम लोग बीच में बुशी डैम के लिए रुके नहीं क्योंकि ये एक ही हफ्ता हुआ है बारिश गिर के, तो ज़्यादा पूरा बुशी डैम भरा भी नहीं रहेगा, तो उधर जाके मतलब नहीं होगा। तो या हम लोग वहाँ पे नहीं रुकने वाले, हम लोग यहाँ से अभी डायरेक्ट निकलते हैं। बीच में अगर कुछ रखा तो मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जैक्टली बुशी डैम के सामने यहाँ पे सब वो हैंडक्राफ्टेड चीज़ें हैं, तो अगर आपको देखना रहेगा तो यू कैन कम। लाइन में बहुत सारा शॉप्स है। वैसे हम लोग तो शॉर्ट राइड के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे घूमने के लिए 3-4 चीज़ें और है। हाँ, वो वैक्स म्यूजियम एक रहता है, फिर एक टाइगर पॉइंट, नहीं हम लोग तो लाइन पॉइंट ही आए थे, फिर ये जो हैंडक्राफ्टेड चीज़ें हैं, उसके बाद जो लोनावला मार्केट है वो एक है, एंड कुमार रिसोर्ट या। और अगर आपको लंच या फिर जो कुछ भी करना है तो सनीदा ढाबा करके एक लोनावला के थोड़ा सा आगे आता है, पुणे की तरफ जाओगे तो वो एक बार ट्राई कर लेना। इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। और बस अगर आपको यहाँ पे कहीं पे झीला या फिर कुछ भी मिलता है तो वो लेके रहने के लिए अलग ही मज़ा आता है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा बारिश हो जाने दो, एक महीना रुक के उसके बाद। अराउंड हम लोग का आज का राइड था 80 किलोमीटर्स के आसपास था, और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 30 minutes में पहुँच गए थे यहाँ पे। अभी भी हम लोग यहाँ से निकल के अराउंड 4, तो हम लोग यहाँ से जाते जाते हम लोग को 5:30 मैक्स पकड़ के, अगर ट्रैफिक पकड़ लेंगे तो 5:30-6 बजे तक पहुँच जाएंगे। सिर्फ फ्रॉम द दिस शॉर्ट राइड गाइज, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक के लिए घूमते रहो, घुमाते रहो, एंड हैव फन इन योर लाइफ गाइज। चलो सिया। We'll be right back.